हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शैली व्लॉग्स। आज हम करेंगे बुलेट पे एयर हॉर्न इंस्टॉल। ये वो हॉर्न है जिसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी बाइक पे, बुलेट पे। और गाइस, ये अलग कंपनी में आता है। पूरा का पूरा हॉर्न ये स्टील का है, कहीं पे भी इसमें प्लास्टिक यूज नहीं की गई। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है और ये यहाँ से हॉर्न को आप खोल भी सकते हो। जैसे आपको फिटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको खोल लो। और ये जो जैसे आप देख पा रहे होगे, ये एक इसका एक क्लंप है फिटिंग में, ये इस पाइप में लगेगा, इस पाइप में ये क्लंप लगेगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये कैसे लगेगा। और ये गाइस, इसमें फिट हो जाएगा इसका क्लंप। तो गाइस, ये रिले है जिसे हम हॉर्न के साथ इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं इस पे ये कुछ डिजिट लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 30, 85, 86, 87। गाइस, ये जो 30 नंबर है इस पे हम पॉजिटिव वायर इंस्टॉल करेंगे जो कि इनपुट है, और 87 पे आउटपुट। और ये 86 और 85 पे हम इंस्टॉल करेंगे जो डायरेक्ट स्विच से हमारी वायरिंग आती है हॉर्न की। तो आप पॉजिटिव में एक वायर अटैच करोगे यहाँ से, ये वायर सीधा आप आगे लेके आओगे और सीधा आप इंस्टॉल कर अटैच करोगे इसके साथ रिले में 30 नंबर पे। मैं आपको करके दिखाता हूँ सारी वायरिंग। ये कुछ ऐसे इस तरह दिखेगी। ये देखिए गाइस, ये हमारी आगे हॉर्न स्विच की वायरिंग, ये दोनों हॉर्न स्विच की वायर हैं। ये आगे सीधा बैटरी से, और ये जो वाइट वायर आपको दिख रही है ये हमारी आउटपुट है जो सीधी हमारी कनेक्ट होगी इस कंप्रेसर के साथ। और गाइस, इसमें आपको दो पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहे होंगे। ये जो हमने आउटपुट निकाला है यहाँ से इस वायरिंग से, ये सीधा यहाँ पे अटैच होगी पॉजिटिव पे, और एक हम यहाँ चैसी से निकालेंगे वो हमारी नेगेटिव पे अटैच हो जाएगी। सारी फिटिंग अब हो चुकी है और ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ मैंने इसकी रिले को इंस्टॉल किया है, ये इसका कंप्रेसर आ गया, और यहाँ पे मैंने इसकी पाइप लगा दी है।